दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे हमेशा की तरह ये जरूर कहना चाहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक दिन एक पार्थिव चक्रवर्ती, एक दिन एक आशीष भरद्वाज, समझ आ रहा है? एक दिन एक घोड़ा और एक दिन एक शेर, मेरे लेफ्ट और राइट में कोई ना कोई ऐसी चीज दे देगा। ये तो मेरे को आके कोई बोलेगा, हे पार्थिव, सुन सुन, तू स्पार्टा के लिए शुरू किया है, मैं तेरे लिए कब से इंतजार कर रहा था, सपने में मेरे को भगवान आया, विष्णु ने बोला जा पार्थिव के पास। पर ये नहीं सुना, पहले खुद को समझाना पड़ेगा। मुझे लगा लोगों को विश्वास दिलाना है, पर ये नहीं समझा, पहले खुद को विश्वास दिलाना है। समझ आ रहा है? सिर्फ ये सुना लोगों को बताना पड़ेगा, पर ये नहीं समझा कि पहले खुद को बताना पड़ेगा कि ये कंपनी ऐसा, प्रोडक्ट ऐसा, कोर्स ऐसा, इतने बेहतरीन चीजें, कंपनी लाइक डायरेक्ट सेलिंग इतने मजबूत एक कॉन्सेप्ट है, पूरे दुनिया में अमेरिका, लंदन से लेके विश्व के बड़े बड़े देश में ऐसे दस दस धमाका मचा रहा है। आज जहां एक तरफ सरकार डिफरेंट यूनिट बंद कर रहा है, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, JKRS बंद हो गया, BSNL का हाल खराब, मतलब समझ आ रहा है? Yes! बेरोजगारी सबसे उच्च स्तर पर है, भारत के 55% लोग युवा, 100-125 करोड़ में 55 करोड़ से यूथ है, कॉलेज से ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, BTech बहुत लाखों की तादाद में निकल रहे हैं, और बेरोजगारी भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। एक तरीके से सारे ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होके एम्प्लॉयमेंट जगह पे पंजीकरण करा के सरकार को बोल रहे नौकरी दो, उधर कंप्यूटर, इंटरनेट, रोबोट बैठा हुआ है इंसान की काम छीनने के लिए। हेलो, समझ आ रहा है? Yes! हेलो, समझ आ रहा है? Yes! 5 आदमी मैनुअली आज जो काम करते हैं उसकी जगह पे ऑटोमेटिक मशीन डाल दिया, मशीन 5 आदमी का काम छीन लिया। Yes! पहले बैठ बैठ के रिजर्वेशन करते थे रेलवे में, जबलपुर स्टेशन में बैठ के 20 लोग, आज IRCTC 90% लोग तो घर से कर लेते हैं। हेलो, टेक्नोलॉजी काम चीन, रोबोट आ चुका है ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, पेट की पथरी निकलेगा कौन? रोबोट। हेलो, समझ आ रहा है? विदेशों में बहुत ज्यादा हुआ है, इंडिया में आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके नाम है AI। हेलो, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हेलो, समझ आ रहा है? वो बन रहा है, इंसान की काम वो छीन रहा है। तो एक तरफ रोजगार के मौके खत्म हो रहे हैं डिफरेंट जगहों से, राइट? और एक तरफ एक इंडस्ट्री जो रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं, पर ये समझने के लिए ट्रेनिंग में तो आना पड़ेगा। Yes! नहीं बता रहा, ये समझने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग में तो आना पड़ेगा। Yes! अब ट्रेनिंग में आने के लिए तुम्हारे पास समय तो होना पड़ेगा। Yes! बताओ। Yes! अब आप लोग बताओ, मेरे पास टाइम कहाँ था? पहले मैं कॉलेज जाता था, क्या कॉलेज में 2 क्लास करने के बाद भी यूनियन रूम या होता स्टूडेंट यूनियन कॉलेज में? फिर हमारे वहां तो बहुत चलते हैं यूनियन रूम, फिर कॉलेज खत्म होते ही दोस्तों के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऋतिक रोशन का पहला फिल्म कौन सा? कहो ना प्यार है। वो बोल रहे कहो ना प्यार है, और मेरा इधर चल रहा है हालत खराब, 20 साल की उम्र। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहे? रंगीन दुनिया। हेलो, स्कूल में था यूनिफॉर्म, शर्ट, पैंट, हाँ, इधर से उधर वो तो डंडे, हेडमास्टर, कॉलेज पहली बार, कान में बाली। हेलो, समझ आ रहा है? जिम जाके बड़े बड़े ढोले बनवाना है, और गर्ल्स के सामने ऐसे रहना है। तो बोलो कॉलेज, फिर मूवी, फिर पार्टी, फिर मस्ती। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? कितने कुछ, फिर गर्लफ्रेंड 1, 2, 3। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो टाइम कहाँ है बोलो, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग माने के लिए समय बचाना पड़ेगा। तो अभी इतने सारे चीज में समय बटे हुए हैं, साथ में ध्यान भी बटे हुए हैं, तो कैसे रहेगा इसमें ध्यान? हो 3-4 महीना चला गया, एक दिन सीख गया मुझे पार्थ, हो क्या हाल, बोला हाल बेहाल, 4 महीना हो चुका है कुछ नहीं आया। तो सीनियर ने बोला तू कोशिश किया था काम करने का? बिल्कुल किया था। बोले कैसे किया था? बोले इधर तो मेरे को पैसा ही तो मैं इनवाइट करने जाता था, कैसे ट्रेनिंग मेरी नहीं लिया, आदमी पकड़ने गए ना,
ए भाई बढ़िया। और घर में सब ठीक है ना? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छे हैं जी, अच्छे, अच्छा, बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ, तो भी अच्छे हैं। हाँ, चल रहा है एक बाबा दो 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 पढ़ाई कैसे चल रहा है? बस पढ़ चल रहा है, रोज़ जाना बोले, बस चल रहा अच्छा। अच्छा एक बार आएगा मेरे साथ, एक बार एक लेके आएगा, एक चीज़ है मुझे चाहिए, आना एक बार प्लीज प्लीज यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा है, जाएगा नहीं क्या उसमें? एक बार प्लीज, एक बार चल, दो घंटे में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी बात है, फिर मैं देखूंगा फिर क्या। एक बार प्लीज आ जाना, एक बार बहुत अच्छा लगेगा। सब जा रहा है इनवाइट करने का टाइम पे, मेरा कोई आत्मविश्वास ही नहीं है इनवाइट करने के टाइम पे, जैसा लग रहा है मेरे लिए एक बार प्लीज आ जाना। उस पर आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों इनवाइट में बोला जाता है? रिक्वेस्ट मोड में नहीं, कमेंटिंग मोड पे है ना, डायरेक्शन मोड पे कि भाई तुम्हें चाहिए, जिंदगी बनाना चाहते हो, बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, मेरे पास एक बेहतरीन मौके है, नहीं मैं तो आना एक बार प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा मेरे लिए, एक घंटा सही, कहीं नहीं आधा घंटा सही। तो समझ आ रहा है? yes! तो ऐसे अगर इनवाइट करने जाओगे तो क्या होगा? हाल क्या होगा? बेहाल होगा। वही हुआ था, इनवाइट बिल्कुल आए नहीं, और जब इनवाइट नहीं आए तो बिजनेस नहीं होगा। ऊपर से घर वाले, मम्मी पुलिस, पापा पुलिस वाले, और पुलिस वाले कौन है? गूगल सर्च, डिस्कवरी चैनल, विकिपीडिया। पुलिस को क्या पता क्या नहीं पता? हेलो यस और नो? पुलिस को सब पता होता है ना? yes! घर पे मम्मी बोले बेटा बोला था ना, ये सब नहीं होता, कितने आए कंपनी, कितने गए, बोले थे ना। हेलो समझ आ रहा है? yes! उसे और समझ में लग रहा था कि ये बिजनेस तो होने वाला नहीं है। तो सीनियर ने एक बार बोला, तीन चार महीने बाद पार्थो, हाल में हाल, अब क्या करना चाहते हो? मतलब जो पैसा दिया तो वापस मिल सकता है क्या? आज जिस बंदे के बारे में आप लोग देखते हैं यूट्यूब में, जिनकी सक्सेस से आप प्रेरणा लेते हो, वो बंदा एक दिन निराश होकर अपने पैसे वापस मांगने के लिए चले गए थे। और उस दिन अगर किसी कारण से पैसा वापस मिल भी गया होता तो आज ये पार्थो भौमिक नहीं होता, आज ये अमोल माचो ट्रेन में लटकते हुए जिंदगी, बस में लटकते हुए, सोते सोते ऑफिस में। हेलो आज कहा विदेश, कहा फॉरेन, कहा गाड़ी, कहा बंगला, कहा इज्जत, कहा प्यार, कहा शौहरत। तो समझ आ रहा है? फिर क्या हुआ ना, सीनियर ने धीरे धीरे, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, एक दिन सीनियर ने बोला बेटा तेरे को इतना ही, अगर सच में तू बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, एक काम कर, एक ट्रेनिंग में आ जा, वापस चाहिए ना, मुझे तो बहुत अच्छा होता है, मिल जाए आधा मिल जाए। ऐसे एक ट्रेनिंग में पीछे बैठा हुआ था सीनियर, ठीक है एक काम कर, एक बार आ जा एक ट्रेनिंग में, इधर बैठ तू आके पहले, फिर मैं तेरे को बताता हूँ क्या करने का आगे। बोला वहां जाने से पैसा वापस मिल जाएगा। ऐसे पीछे बैठ के मैं उस दिन आया ट्रेनिंग में, उस दिन पहली बार मैं सीरियसली ट्रेनिंग दे रहा था, कंपनी की तरफ से, एपीएल की तरफ से आए कोई आदमी दिग्गज, उन्होंने बताए हमारे कोर्स फीस बेनिफिट्स, हेलो समझ आ रहे हैं, सर्टिफिकेट की वैल्यू, कंटेंट। एक इंसान आए डाइटिशियन, कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनर, बेहतरीन तरीके से बताए कि हमारे प्रोडक्ट की फायदे, जो एक आदमी 10-10 साल जो दवाई ले रहा था, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, वो उसी जगह पे हमारे प्रोडक्ट 6 महीने से 1 साल इस्तेमाल करने से बेहतरीन फायदे। कुछ एसोसिएट बताए, उनकी पापा, उनकी मम्मी, उनको खुद को एसिडिटी में, गैस्ट्रिक में, हेलो समझ आ रहा है, गाइनी प्रॉब्लम में, किसी को दर्द डिस्को में, आर्थराइटिस में, कितने जबरदस्त फायदे आए, कितने को विश्वास आने लगा धीरे धीरे कंपनी की प्रोडक्ट काम करता है, कोर्सेस अच्छे हैं, समझ आ रहे हैं? उसके बाद तो जो हुआ, उसके बाद उस दिन भी प्रोग्राम के बाद कुछ लोग स्टेज पे आए, स्टेज पे आके जैसे प्रोग्राम की बात में होता है, नए नए सक्सेस के लोग टेस्टिमोनियल देते हैं, तो और उन्होंने बोला जो प्रोग्राम संचालक था, आइए कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो इस प्रोजेक्ट से कामयाब होना शुरू कर चुके हैं, छोटे मोटे सपने पूरे कर चुके हैं। उधर मैं एक लड़का, मतलब मैं तो ये गांव की हूँ और मैं तो यहाँ पर काम करते हुए पिछले 6 महीने में 1 बैक लिया हूँ,
कौन है तू, कौन सा ग्रह से आया है? एक लड़की आके बोल रहे अभी कुछ दिन पहले सपोर्ट टीम ने क्रेडिट दिया था, क्लोज हो रहा है, नहीं तो जा रहा हूं थाईलैंड। नहीं, और एक आया कपड़ा यहां से निकल रहा है वहां से खुल रहा है, जूता के एक साइड बिंदा पर्वत एक साइड हिमालय पर्वत, हेलो समझ आ रहे नहीं आ रहा है? टाई यहां नहीं, टाई यहां तक लटक रहा है। वो बोल रहा मैं तो गोवा जाके आया हूं, नहीं ला तू भी, मैं अपने आप को बड़ा होशियार समझदार पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करता है पापा, बार तीस मार खान बीच तरह चारों बीच में कन्हैया चारों तरफ धोपिया है, अपने आप को इतना शानदार शानपति समझता था, पर ये लोग इतने कुछ कर रहा है, मेरा हाल ये है। फिर एक बार सपना, हाँ तो सपना तो अंदर होता है ना, फोकसिंग नहीं होता, अलग बात है। जो क्रिकेट बैट हाथ में लेता वो कोहली बनना चाहता है, पर कोहली बनने का कष्ट उठाना 99% लोग नहीं चाहता है। हेलो, कोहली बनना सब चाहते हैं, लेकिन अभी सर्दी की मौसम की सुबह 4:30 बजे 6 डिग्री की दिल्ली की तापमान में फिरोज शाह कोटला में जाके प्रैक्टिस करना नहीं चाहता है, रजाई और के सोना चाहता है। अमिताभ बच्चन एक्टिंग में सब बनना चाहता है, पर इलाहाबाद से जाके बॉम्बे भीटी स्टेशन में परे रह के 7 दिन कोई काम नहीं है। हेलो समझ आ रहा है? ये तस्वीर नहीं उठाना चाहते हैं। हेलो, पढ़ाई अच्छे हो जाए, बढ़िया नौकरी लग जाए, सब चाहते हैं, लेकिन दरवाजा बंद करके फेसबुक बंद करके मोबाइल हटवा के दिन में 18 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करना नहीं। तो सही में समझ आ रहा है? सपने तो होते हैं भाई, ये तो गलत नहीं हो सकते, नहीं तो एक मोबाइल में क्यों हयाबुसा का फोटो रहेगा? अलग है टीवीएस स्टार से, तो साइकिल 3 बार चेन गिरता है, तो स्पोर्ट्स बाइक का फोटो जरूर रहेगा। हेलो, यस नो, यूट्यूब में स्पोर्ट्स का भी फोटो जरूर दिखेगा, फॉरेन कभी जाए ना जाए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्विट्जरलैंड की वीडियो आई, पेरिस आईफेल टावर आई, देखेगा जरूर ये सब। बात अलग है वो देखने के बाद, फिर रस्ते किनारे जावे जाके रोटी सब्जी 12 रुपया का ढूंढेगा, पूरी सब्जी वो लग रहा है। सही आ रहा हो? उस दिन प्रोग्राम के बाद, वो प्रोग्राम मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, उस दिन पूरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोबारा सीनियर का हाथ जाके पकड़ लिया, सर कुछ बोलो मत, बोले क्या पैसा वापस नहीं चाहिए, रह दो। मुझे आज ऐसा सो रहा है मैंने कितने गलत कर दिए, मुझे आज फील हो रहा है कि इस बिजनेस में मैंने कैसे अपने 4-5 महीना बेकार में बर्बाद किए। सर ऐसे जिंदगी मैं भी चाहता हूं, ये जो लोग स्टेज में है मुझे भी ऐसा स्टेज पे जाना है, ये जो लोग कामयाब बन रहा है, कितने नॉर्मल खेती घर से बिल्कुल गरीब फैमिली से ऐसे लोग बाइक ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, और सबसे बड़े बात इतने लोग सब इज्जत मिल रहा है, और कितने फिर भी कितने बेहतरीन बात कर रहा है, आत्मविश्वास से भरी भरी हुई है, कपड़े कितने अच्छे पहन के आए, समझ आ रही है? ऐसा जीवन मुझे भी चाहिए प्लीज। सिंह ने बोला इसके लिए तू क्या कर सकता है? बोला आप जो बोलो मैं वो कर सकता हूं। बोले मैं तो देखो मिट्टी काटने नहीं बोलूंगा, पत्थर तोड़ने नहीं बोलूंगा, जो बात बोला था ज्वाइनिंग के टाइम पे दोबारा वही बात बोलूंगा, पढ़ाई ट्यूशन उसमें जितनी टाइम जाता है दे सीरियसली, बाकी जितनी वक्त है वो आके सिस्टम में देने लग, ट्रेनिंग में रेगुलर आ, गारंटी दे रहा हूं 1 हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम सीनियर से मिल, संडे का ट्रेनिंग में आ, हेलो समझ आ रहा है? साथ में कम से कम 1 से 2 बार 2-2 घंटे करके हमारे पास आके बैठ के काज कम कैसे कैसे सीखना है वो सीख, ये प्रोस्पेक्टस ये प्रोफाइल कंपनी के बारे में ये लेके जा, 3 से 7 दिन के अंदर इसको खत्म कर, ये वेबसाइट ये चीज देख, ये ट्रेनिंग वीडियोस लिंक दे दिया, हेलो समझ आ रहा है? yes! सब तो स्मार्टफोन नहीं होता, ऑडियो कैसे होता था आप लोग जानते कि नहीं, उसको बोलते थे वॉकमैन, ऐसे कैसे डाला जाता था, हेलो समझ आ रहा है? yes! 30 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग होता था, क्योंकि स्मार्टफोन आया ही नहीं, GPRS टेक्नोलॉजी नहीं आया, ब्लू कलर का फोन सिर्फ हुआ करता था, मेमोरी कार्ड इतना नहीं होता था, मेमोरी कार्ड 512 ऐसा होता था, मैं 15 साल पहले की बात करता हूं, कुछ ऑडियो कैसेट्स मुझे दिया, ये जाके रेगुलर सुन, हेलो समझ आ रहा है? वाकई में दोस्तों के ट्रेनिंग हम रेगुलर लेते हैं सच्ची ईमान से, ट्रेनिंग को अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं लिखते हैं और घर जाके उसको स्टडी करते हैं 100% ट्रेनिंग काम करता है, ये मैंने अपने ऊपर से देखा है। चलो ट्रेनिंग जब सीरियसली लेने लगे और घर जाके भी उसको स्टडी करने लगे
फिर धीरे धीरे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, सिस्टम के बारे में। हेलो, समझ आ रहा है? yes! समझ आ रहा है? yes! उसके बाद जब मैं इनवाइट करने में उतरा, डेफिनेटली मुझे उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा। हाँ, शुरुआत में सारे रिजल्ट आए मैं ये नहीं बोलूंगा, जब मैंने धीरे धीरे काम करने गए, इसके नीचे क्या है ठीक है तो अच्छा कोई बात गिर जाऊंगा तो पता चलेगा ना। तो उसके बाद मैं जब काम करने लगा धीरे धीरे, उस समय में ऐसा हुआ था मुझे कि शुरुआत में ठीक है ना, उसके बाद मैंने जब इनवाइट करने लगा शुरुआत में ट्रेनिंग लेने के बाद, 10 लोगों को अगर इनवाइट किया तो 10 लोगों में से सिर्फ 2 लोग आया एसपीपी सुनने के लिए। क्या सुन रहा है? क्या सुन रहा है? एसपीपी सुनने के लिए सिर्फ 2 ही लोग आए। हेलो, समझ आ रहा है? yes! हेलो, समझ आ रहा है? yes! पर ज्वाइनिंग कोई नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी तक मैं डॉट बॉल खेल रहा था, बैट में लगा ही नहीं पा रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, 10 में से 2 गेंद बैट में तो लगाया, फील्डर का हाथ गया, पर पहले तो मिस कर रहा था। अगले बार 10 लोग को इनवाइट किया, अब के बार 3 लोग प्लान छोड़ने आया पर एक आदमी ज्वाइन किया। यस, बिजनेस शुरू हुआ है। समझ आ रहा है? yes! साथ में मुझे समझ आ रहा था रेगुलर ट्रेनिंग से मेरे आत्मविश्वास की जो लेवल वो बढ़ता हुआ जा रहा है। शुरुआत में मैं जब कोई आदमी अगर मेरे को मना कर देता था तो मुझे लगता था ये कंपनी गलत है, ये सिस्टम गलत है, ये चलता नहीं है, मार्केट नेगेटिव है। बाद में समझ आया इसी मार्केट में सबकी इन्वर्टिंग हो रहा है, गाड़ी आ रहा है, बंगला आ रहा है, फॉरेन हो रहा है, तो मार्केट या सिस्टम गलत नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं। इम्तिहान की पेपर में एक ही पेपर लिखने का बाद किसी को 40% आता है मुश्किल से, और किसी को हंसते हंसते 98% आता है। कौन 98 लाता है? उसी सिलेबस से कि तैयारी जो अच्छा किया है। yes. एक ही टीचर, एक ही पढ़ाया, एक ही सिलेबस। हेलो, यस नो? yes! कोई